गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रकाश तिवारी। जैसे कि कल आपने देखा, हम लोग कपूरथला पहुँच गए हैं, लेकिन हम रात में पहुँचे थे, यार अबाउट 2-3 बजे। तो हम आपको कुछ दिखा नहीं पाए थे कि हम स्टेशन से कैसे आए, स्टेशन का नज़ारा जो भी था, व्यू आपने रात में अंधेरे में आप प्रॉपर देख नहीं पाए। तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ, सुबह हो चुकी है, तो हमने सोचा कि आज हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि क्या है व्यू कपूरथला रेलवे स्टेशन से कोच फैक्ट्री तक आने का, और कितना टाइम लगता है और रास्ता कैसा है। तो अभी जल्दी से फटाफट मैं उठ जाता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ, शेविंग वेविंग कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद हम निकलते हैं हमारे सरदार जी के साथ, लखा भाई के साथ। फिर हम वहाँ से ब्रेकफास्ट भी करेंगे बाहर से ही यहाँ का, क्योंकि पंजाब में बहुत फेमस है, जो आप जानते हो, सरसों का साग, मक्के की रोटी, लस्सी, फिर आपका छोले, चना और भटूरा। हम वो सब नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद आते आते आपको पूरा व्यू दिखाते आएंगे कि कैसा है, फिर एंट्री कैसे लेते हैं कपूरथला कोच फैक्ट्री में, फिर उसके बाद आपको आगे का नज़ारा झील वगैरह लेके चलेंगे। तो फटाफट हम रेडी हो जाते हैं, और आप जब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर करें प्लीज़। यार देखते सब लोग के लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कोई नहीं करते, अपने छोटे से भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी कर दो। चलो फटाफट अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। जी, हम स्टेशन से आगे कपूरथला स्टेशन से हमारे साथ रेलवे फैक्ट्री जा रही है। ये अब RCF के GM मंगले की तरफ जाते हुए, RCF GM बंगला, अशोक अग्रवाल GM साहब। इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस, महाराष्ट्र का नितिन चौधरी। ये गेस्ट हाउस है RCF का, गेस्ट हाउस। ये ओपन जिम है, ये सब रेलवे कॉलोनी है, रेलवे एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सब यही रहते हैं। GM साहब का बंगला, टेनिस कोर्ट है RCF का, इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट। ये VVIP रेस्ट हाउस है ना, रेस्ट हाउस RCF का, रेस्ट हाउस, ऑफिसर रेस्ट हाउस, ऑफिसर रेस्ट हाउस RCF। और ये गोल्फ ग्राउंड है RCF का, पंजाब का सबसे बड़ा गोल्फ ग्राउंड है ये, जो कि रेलवे के अंडर में RCF, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, देख सकते हैं गोल्फ ग्राउंड। सारी सैर बाइक पर हो रही है। ये आ गई लेक कपूरथला RCF की,
आरसीएफ लेक कपूरतला। ये पानी चेंज नहीं कर देगा? पानी कैसे चेंज करेंगे? पानी चेंज होगा, अपने आप होगा। सफाई करते पानी की? हाँ, पानी की सफाई करते, गंदगी बहुत है। बाकी नज़ारा बहुत अच्छा है, बूट वूट भी चलता है। शाम को ना इसपे सब कुछ चलता है, ये चलती है, ये फुहारे सब चलते हैं। ये कैसा चलता है? ये ऐसे पानी उड़ाता है, देख लिया तो फिर बोल दो। बैठने के लिए बना भी हुआ है, बेंचेस भी लगी है, खेलने के लिए झूला भी है। और ये प्रसाधन बना हुआ है टॉयलेट बाथरूम के लिए। और बैक साइड में आपको आरसीएफ के जीएम का बंगला दिख रहा होगा। और कुछ इस तरीके से है ये लेक, आर्टिफिशियल लेक है, बनाई हुई है, लेकिन बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये प्रसाधन टॉयलेट बाथरूम के लिए यूरिनल सिस्टम है, ये यहाँ आप टॉयलेट बाथरूम कर सकते हैं। और लेक में बोट भी रखी हुई है, आप बोट की भी सैर ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेक के अंदर ये पूरा गार्डन का नज़ारा है, कुछ इस तरीके से जंगल में हम जाते हुए, जंगल सफारी पर आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री के अंदर। ये हम बहुत अंदर आ गए हैं जंगलों के, जैसे कि आप देख रहे हैं हम बहुत ही अंदर घूम रहे हैं। और यहाँ पर सैर आप हम कर रहे हैं, और आप भी आइए और करिए। और यहाँ खरगोश भी रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोट की सवारी करते हुए, मैं यहाँ बोट की सवारी कर रहा हूँ। इधर देख, इधर देख, मस्त है। और यहाँ पे मंकी ब्रिज भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं सामने मंकी ब्रिज है, और लोग मंकी ब्रिज की सैर कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। और अंदर आने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़ारा है, और अंदर ही मंकी ब्रिज भी बना हुआ है, आपको भी मंकी ब्रिज का भी आनंद करवाएंगे कुछ इस तरीके से। पब्लिक यहाँ चढ़ रही है मंकी ब्रिज पर। और ये सामने रहा आपके बिल्कुल मंकी ब्रिज कुछ इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं पेड़ वगैरह नेचर लगे हुए हैं बिल्कुल। अब हम मंकी ब्रिज पर चलेंगे कुछ इस तरीके से, मंकी ब्रिज कुछ इस तरीके से है। मंकी ब्रिज आप देख सकते हैं, मंकी ब्रिज का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। हम कुछ इस तरह पार हो गए हैं, और मंकी ब्रिज पार करते ही आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा मिलेगा,
तोप भी लगी हुई है यहाँ, जिसको बम बारूद करना है कर लो, और आर्मी का मैन खड़े हैं और जबरदस्त सीन, और यहाँ भारतीय सेना की फौज भी है, भारतीय सेना की फौज के साथ। यहाँ गन लेके हमारे फौजी जी खड़े हुए हैं, और यहाँ हमारे विकास भी फौजी बन चुके हैं, और कुछ इस प्रकार तोप भी लगी हुई है, और पीछे से झील आ रही है गोल घूमकर, आपको नज़र आ रही होगी कुछ इस तरीके से, और पीछे जो आपको दिख रहा है गोल्फ ग्राउंड है, गोल्फ ग्राउंड कुछ 10-15 किलोमीटर का है। यह आपको गोल्फ ग्राउंड नज़र आ रहा है जो कि आप देख रहे हैं, सीधा पूरा ये गोल्फ ग्राउंड है RCF रेलवे कोच फैक्ट्री का, और उसी के साथ ही आपको कैक्टस के पेड़ भी नज़र आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है गोल्फ ग्राउंड का। हम बाहर की तरफ जाते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं अपना बाहर की तरफ जाते हुए बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी बाहर निकल रहा हूँ। कुछ इसी तरीके से बाहर जाते हुए, और पीछे आपको पूरा गोल्फ ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं पूरा गोल्फ ग्राउंड है। ये पूरा गोल्फ ग्राउंड बना हुआ है RCF रेल कोच फैक्ट्री का फुरतला का, कुछ इस तरीके से ये पूरा गोल्फ ग्राउंड है, और यहाँ कुछ गड्ढों में कमल के फूल भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी इस समय पेड़ सूख गया है, पेड़ सूखा है इसी कारण आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये पूरा जहाँ तक आप देख रहे हैं 15 किलोमीटर का गोल्फ ग्राउंड है। आप यहाँ रेलवे एम्प्लॉई हैं या रेलवे एम्प्लॉई के बच्चे हैं, वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट हैं रेलवे एम्प्लॉई पे, तो आप आके इस गोल्फ ग्राउंड का मज़ा ले सकते हैं, ओनली फॉर रेलवे एम्प्लॉई, और जो नॉन रेलवे एम्प्लॉई हैं उनके लिए टिकट लगेगा। और ये सब रेलवे कॉलोनी है, RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाल कलर के, ये सब ये जो ऑफिस है ये बिजली ऑफिस है, इलेक्ट्रिकल पावर का ऑफिस है। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा इलेक्ट्रिकल पावर का ऑफिस है, और इसी तरीके से कुछ ऑफिस है, और जो आप सामने रेड रेड कलर में देख रहे हैं, और ये सारे रेड कलर के जो हैं ये रेलवे एम्प्लॉयज़, रेलवे डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड नर्स, और सारे जितने डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे के, ऑफिसर्स से लेके क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक, इनके क्वार्टर्स हैं रेलवे क्वार्टर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से मिलते हैं। हम भी इनमें से किसी एक क्वार्टर में रुके हुए हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, दीपक पुरी जिनका नाम है, जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है और होस्ट भी हैं, जो हमको होस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ हम उन्हीं के क्वार्टर में रुके हुए हैं। हम आपको कुछ ही देर में क्वार्टर की भी सैर कराएंगे और दीपक जी से भी मिलवाएंगे, अभी तो वो ऑफिस गए हुए हैं। और ये है कपूरथला का रेल कोच फैक्ट्री, RCF रेलवे का स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो कि सिर्फ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी वगैरह और इंटरनेशनल मैचेस होती रहती हैं, जिससे अभी भी चल रही है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। मैं बॉलिंग ये है केंद्रीय विद्यालय RCF रेल कोच फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की रेल स्कूल, जिसको रेलवे स्कूल या केंद्रीय विद्यालय भी कहा जाता है, CBSE बोर्ड, CBSE पैटर्न की, आप देख सकते हैं। और उसमें कुछ इस तरीके से सभी ने फार्मिंग्स भी कर रखी है, जैसे आप देख रहे हैं
ये फार्मिंग से और ये क्वार्टर से रेल कोच फैक्ट्री कपूरतला के। यहाँ ऐसे इस तरीके से क्वार्टर्स बने हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके और हम जिस क्वार्टर में रुके हैं दीपकपुरी का वो हम आपको बता रहे हैं। ये जो शेड दिख रहा है आपको यही वो क्वार्टर है। हम सभी सामने से दिखाएंगे, इसी में हम रुके हुए हैं, इसी में हमारी होस्टिंग चल रही है। ये जो शेड है उनका गैरेज है, इसमें उनकी बाइक्स कार्स वगैरह लगी रहती हैं। और क्वार्टर का ये गेट खुलता हुआ यही इनका क्वार्टर है और ये रास्ता भी स्ट्रेट जाता है ऐसे। और ये क्वार्टर है अंदर से, आपको उसका नज़ारा दिखाएंगे। और कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से एंट्री लेते हुए ये इनका हॉल है जहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है, ब्लैंकेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हॉल है दीपक का और हम यहीं रुके हुए हैं। और हॉल के ही बिल्कुल सामने आप जैसे देखेंगे ये बेडरूम है और बिल्कुल इसी साइड में ये किचन है एक इनका। इसी में हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, आप देख सकते हैं किचन कुछ इस तरीके से। और हॉल के ही साथ में एक इनका बेडरूम है जिसमें एक फ्रिज भी दिया है। और हमारी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी चल रही है, आपको तो पता है पंजाबी लोग सरदार लोग कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, हॉस्पिटलिटी देते हैं, खाने पिलाने में खाने में एक नंबर होते हैं। और इसी बेड पे हम सो रहे हैं, ब्लैंकेट वैंकेट ये हमारा बैग वैग रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से पर्दा लगा हुआ है और ये एसी वगैरह हमें एसी की भी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। और ये दीपक जी हैं हमारे जो अभी अवेलेबल नहीं है, इन्हीं के साथ हम रुके हुए हैं। और इनकी अवार्ड्स हैं जो इन्होंने नाम कमाया है रेलवे में आकर। और इसी के साथ हम अपना ये वाला वीडियो रेलवे स्टेशन से दीपक के घर तक आने वाला यहीं ख़त्म करते हैं। और कृपया करके आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए नए वीडियो पाने के लिए। और अपने दोस्तों में परिवारों में शेयर कीजिए, इसी तरह आपको नई नई जानकारियाँ हम देते रहेंगे। क्योंकि जो हम बताते हैं ये कोई नहीं बताता है, हम अपने वीडियो में अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा करके व्यू दिखाते हैं, हम अपना खुद का फ़ोटो नहीं दिखाते हैं। तो आप व्यू देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ अलविदा, सत श्री अकाल, जय श्री राम।